नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। कहा, मैं उनके दिमाग को लंबे समय से जानता हूं, 24 घंटे उनके दिमाग में मोदी ही आता है। पीएम बोले, कांग्रेस बार बार एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है। राहुल पर कटाक्ष, दूर से भागते हैं। नाम रखा रणधीर भाग्यचंद की, आज तक सुई है तकदीर। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ, कांग्रेस के राज में ही मणिपुर त्रस्त हुआ था। हालांकि मणिपुर में जो हुआ वो अक्षम्य है। पीएम मोदी ने हाल ही में बने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी जमकर हमले किए। कहा, एनडीए में जोड़े गए घमंड के दो आई, नया गठबंधन खंडहर का प्लास्टर लगाने जैसा है। गठबंधन अपनी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 16 बार मणिपुर का नाम लिया। उन्होंने 32 बार विपक्ष और 5 बार कांग्रेस का नाम भी लिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद ध्वनिमत से गिरा अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में 3 दिन तक चले प्रस्ताव पर चर्चा, लगभग 2.25 घंटे तक पीएम मोदी ने दिया जवाब। बाइक पर तिरंगा लेकर निकले मंत्री और सांसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। 15 अगस्त तक पूरे दिशा में हर घर तिरंगा अभियान। रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया अपना मून मिशन। 11 अगस्त की सुबह 4:40 के करीब अमूर ओब्लास्ट की वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा लूना 25 लैंडर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक। दिल्ली के सरकारी व निजी स्कूलों की कक्षाओं में छात्रों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो। नए विमान के रंग रूप और डिजाइन में गहरे लाल, बैगनी और सुनहरे रंग की हाइलाइट्स के साथ सात चक्र भी, प्रेरित पैटर्न भी शामिल। उत्तराखंड से बिहार तक कई राज्यों में तेज बारिश का कहर। उफान पर नदियां, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। जनजीवन पर पड़ा बुरा असर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।